इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे रैंडम एक्सप्रेशन अब मोशन डिजाइनिंग के में मैं काफी बार अपने एलिमेंट्स में रैंडम मूवमेंट ऐड करनी पड़ती है जैसे यहाँ हर एक करेक्टर की रोटेशन और स्केल प्रॉपर्टी में रैंडम मूवमेंट ऐड हो रही है जैसे कि ये स्टॉप मोशन एनिमेशन जैसा लग रहा है अब इन रैंडम मूवमेंट्स को अगर हम अपने टाइम में की फ्रेम से एड करने बैठे तो ये काफी ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस बन जाएगा तो यहाँ काम आता है अपना रैंडम एक्सप्रेशन अब विगल एक्सप्रेशन की तरह ही ये भी हमारी लेयर की किसी भी प्रॉपर्टी में रैंडम मूवमेंट ही एड करता है बट ये विगल से थोड़ा सा डिफरेंट है विगल एक्सप्रेशन हमारी करंट वैल्यू में रैंडम मूवमेंट को कुछ इस तरह से ऐड करता है बट रैंडम एक्सप्रेशन हमारी हर एक frame पर यूनिक को जनरेट करता है कुछ इस तरह से अब अगर आप विगल एक्सप्रेशन के बारे में और जानना चाहते हो तो मैंने उसके सारे एस्पेक्ट्स को इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ कवर किया है और इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया तो आप वहां पे जाके उसे देख सकते हो नाउ लेट्स ओपन आफ्टर यहाँ इस सुई की रोटेशन वैल्यू अभी जीरो पे है लेट्स एड रैंडम एक्सप्रेशन हम यहाँ ऑल्ट क्लिक करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे रैंडम अब अगर मैं इस ब्रैकेट को यहाँ खाली भी छोड़ दूँ तो यहाँ इसकी रोटेशन में रैंडम वैल्यूज जनरेट हो जाएंगी खाली ब्रैकेट्स का मतलब रहेगा कि यहाँ पे जीरो से वन के बीच में रैंडम वैल्यूज जनरेट होंगी अगर मैं इसमें कोई वैल्यू ऐड करूँ लेट्स से हंड्रेड तो यहाँ ये यह हर एक फ्रेम पर जीरो से हंड्रेड के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यूज जनरेट करता रहेगा तो वो भी हमारा मिनिमम वैल्यू जीरो है और मैक्सिमम हंड्रेड हम इसके अंदर अपनी मिनिमम वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं बाय एडिंग टू नंबर सेपरेटेड बाय कॉमास आई लाइड माइनस नाइनटी कॉमा नाइन्टी और अब हमारी रोटेशन प्रॉपर्टी में मिनिमम माइनस नाइन्टी और मैक्सिमम नाइन्टी डिग्री तक रैंडम वैल्यूज जनरेट होंगी लेट्स कम टू आर नेक्स्ट कॉम यहां अगर मैं स्टार की पोजिशन प्रॉपर्टी में इस एक्सप्रेशन को एड करूँ तो यहाँ एरर आ जाएगा क्योंकि हमारी पोजिशन में दो एक्सेज हैं एक्स और वाई और इसमें रैंडम वैल्यूज ऐड करने के लिए पहले हमें अपनी पोजीशन के मिनिमम और मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स भी पता होने चाहिए तो वो जानने के लिए हम ओपन करेंगे अपना इन्फो पैनल बाय गोइंग ऑन विंडोज एंड हेयर्स आर इन्फो पैनल इसे मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ अब अगर मैं अपने कर्सर को अपनी कॉम में कहीं भी मूव करूँ तो यहाँ हम अपने एक्स और वाई पोजिशन के कॉर्डिनेट्स देख सकते हैं अब अगर मैं अपने कर्सर को टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लेके जाऊं तो हमारे एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स यहाँ जीरो जीरो हो रहे हैं और बॉटम राइट right में 1920 और 1080। जो कि इस कॉम्पोजिशन का साइज भी है तो अगर हमें अपने स्टार को इस कॉम्पोजिशन के अंदर रैंडमली मूव करना है, तो हमें कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा एक्स वैल्यू एंड मैक्सिमम वाई वैल्यू और अब हमारी कॉम्पोजिशन के अंदर ये स्टार हर फ्रेम पर रैंडमली मूव करता रहेगा अब ये मूवमेंट हर फ्रेम पर हो रही है जो कि काफी तेज है आई वॉन्ट कि ये एक सेकंड में चार बार ही मूव करे तो वो करने के लिए हम इसमें एक और एक्सप्रेशन ऐड करेंगे दैट इज पोस्टराइज टाइम इसको यहाँ अपने एक्सप्रेशन में सबसे पहले लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट्स में हम अपनी एनिमेशन का नया फ्रेम रेट ऐड करेंगे दैट इज फोर और अब ये एक सेकेंड में सिर्फ चार बार अपनी पोजिशन चेंज करेगा नॉ लेट्स एड दिस एक्सप्रेशन इन आर स्केल आई एल चेंज सम वैल्यूज और यहाँ हमारे स्केल में भी रैंडम मूवमेंट जनरेट हो गई है बट ये अभी प्रपोर्शनेटली मूव नहीं कर रहा है इसको प्रपोर्शनेटली मूव करने के लिए हम अपने रैंडम एक्सप्रेशन को एज अ वेरिएबल यूज करेंगे अपने वेरिएबल का नाम रखेंगे एस इज इक्वल टू और यहाँ हम अपना रैंडम एक्सप्रेशन ऐड कर देंगे और लास्ट में ऐड करेंगे सेमी कॉलम अब नेक्स्ट लाइन में हम इस वेरिएबल को स्केल के दोनों एक्सिस में ऐड कर देंगे बाय टाइपिंग हियर स्क्वायर ब्रैकेट्स एस कॉमा एस और अब हमारा स्केल प्रपोर्शनेटली मूव करेगा और यहाँ हम इन दोनों मूवमेंट के बीच में डिफरेंसेस देख सकते हैं लेफ्ट में अनप्रपोर्शनेट स्केल मूवमेंट हो रही है और राइट right में प्रोपोर्शनेट अब अगर हमें सिर्फ इसके वाई एक्सिस में रैंडम वैल्यूज जनरेट करनी है तो वो करने के लिए हम सिंपली इस वेरिएबल को सिर्फ वाई एक्सिस में रखेंगे और इसके एक्स एक्सिस में हम यहाँ इसकी डिफॉल्ट वैल्यू टाइप कर देंगे दैट इज वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट्स में जीरो और यहां इसके सिर्फ वाई एक्सिस में रैंडम मूवमेंट जनरेट हो जाएगी सिमिलर तरीके से हम इसके सिर्फ एक्स एक्सिस को भी मूव कर सकते हैं अब हम इस एक्सप्रेशन को रैंडम नंबर्स जनरेट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं जो ऐसे साईफाई प्रोजेक्ट्स में काफी काम आते हैं तो वो करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे टेक्स्ट लेयर क्रिएट करेंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस टी और यहाँ हम कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं यहां कुछ वैल्यू एड करने की जरूरत नहीं है बट वी कैन रीनेम दिस लेयर रैंडम नंबर और अब हम इसके अंदर सोर्स टेक्स में अपना एक्सप्रेशन एड कर देंगे आई एल एड वन कॉमा नाइन और अब ये हर फ्रेम पर चार डिजिट के रैंडम वैल्यूज जनरेट करेगा बट अभी यहाँ ये नंबर्स डेसिमल वैल्यूज़ के साथ आ रहे हैं तो इनको हटाने के लिए हम यहाँ एड करेंगे डॉट टू तो फिक्सड और ब्रैकेट्स में लिख देंगे जीरो और अभी हमारी सारी डेसिमल वैल्यूज़ हट जाएंगी अब यहाँ अगर मैं जीरो की जगह फोर टाइप करूँ तो यहाँ फोर डेसिमल वैल्यूज़ शो होंगी और इस लेयर को डुप्लीकेट करने पर हमेशा अलग अलग नंबर्स जनरेट होंगे ना लेट्स कम टू आर नेक्स्ट कॉम्पोजिशन यहाँ मैंने अपने दोनों पॉइंटर्स की पोजीशन प्रॉपर्टी में सिमिलर वैल्यू के दो अलग अलग रैंडम एक्सप्रेशन ऐड किए पहला है हमारा नॉर्मल रैंडम और दूसरा है हमारा गॉज रैंडम अब अगर मैं इनको यहाँ प्रिव्यू करूं तो जो हमारा गॉज रैंडम है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मिडल में रहेगा और कुछ फ्रेम पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू से बाहर भी जा सकता है लेट्स डुप्लीकेट दिस पॉइंटर्स मल्टीपल टाइम्स बाई प्रेसिंग कंट्रोल प्लस डी और यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे गॉज रैंडम के पॉइंटर्स ज्यादातर बीच में लाए कर रहे हैं तो गॉज रैंडम का एनिमेशन कर्व कुछ इस तरह से काम करता है जिससे हमारी रैंडमनेस की वैल्यू मिडल में प्रायोरिटाइज हो जाती है अब इस वीडियो में मैंने जितने भी एक्सप्रेशन यूज किए हैं उन सबको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया तो आप उन्हें वहां से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट्स में एड कर सकते हो और इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वो मुझसे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हो एंड आई विल मेक श्योर टू आंसर दम ऑल और ऐसी वीडियोज देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब एंड आल सी यू इन द नेक्स्ट वन